इस परिवार का जो अगला गुण है वो है घनत्व। जब हम इस परिवार के घनत्व को कंपेयर करेंगे तो आप देखिए कि बेरिलियम से कैल्शियम तक जो घनत्व का मान है वो कम होता जा रहा है। बेरिलियम के लिए जो घनत्व का मान है वो 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसी प्रकार मैग्नीशियम के लिए 1.74 कम हो गया और कैल्शियम के लिए 1.55। लेकिन उसके बाद आप देखिए ये बढ़ता जा रहा है, 2.63 स्ट्रॉन्शियम के लिए, बेरियम के लिए है 3.59, रेडियम के लिए है 5.5। तो ये मान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ घनत्व में तो कमी हो रही है लेकिन रेडियम तक हम देख रहे हैं कि घनत्व का मान बढ़ रहा है। तो धातुओं की जो क्रिस्टली संरचना के बारे में हमने देखा वो अलग अलग प्रकार की होती है। इनके लिए जो क्रिस्टली संरचना हमने देखी कि HCP, CCP या FCC टाइप की जो क्रिस्टली संरचना है, इस वजह से इसके घनत्व में इस तरह इरेगुलर जो चेंज है वो दिखाई देता है। पहले कर घटता है और उसके बाद ये बढ़ता है। क्षार धातुओं का घनत्व जो है वो इरेगुलर चेंज हो रहा है। वैसे देखा जाए तो क्षार धातु की तुलना में क्षारी मृदा धातुओं के लिए जो घनत्व का मान है वो और अधिक होता है क्योंकि आकार कम होता है और नाभिकीय आवेश अधिक होता है। कठोरता का मान भी, जब हम क्षार धातु से क्षारी मृदा धातु को तुलना करेंगे तो कठोरता का मान भी इसका अधिक होता है। और चूंकि यहाँ नाभिकीय और आवेश और बाह्यतम कोश के बीच एक प्रबल बंध कार्य करने लगता है तो इस वजह से भी यहाँ घनत्व का जो परिवर्तन है या कठोरता है वो इस कारण से भी होती है। अब हम गलनांक एवं क्वथनांक के बारे में जानेंगे। तो जो क्षारी मृदा धातुएं होती है उनका जो गलनांक और क्वथनांक का मान है वो क्षार धातुओं की तुलना में ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होगा? यहाँ भी वही परमाणु आकार और प्रबल धात्विक बंध। क्योंकि जब हम बाएं से दाएं चलते हैं यानी क्षार धातु से क्षारी मृदा धातु की ओर आते हैं तो हम देखते हैं कि नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता जा रहा है और धात्विक बंध ज़्यादा प्रबल बन जाता है। और जो परमाणु का आकार है वो तो छोटा होता ही है क्षारी धातु से क्षारी मृदा धातु का, और धातुओं की अलग अलग प्रकार की क्रिस्टली संरचना जो होती है इस वजह से इसके गलनांक क्वथनांक क्षार धातुओं की तुलना में अधिक देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर इसके गलनांक और क्वथनांक को देखिए कि ऊपर से नीचे आने पर गलनांक और क्वथनांक का मान घटता जा रहा है। इसका कारण क्या होगा? जब ये गलनांक क्वथनांक ऊपर से नीचे आते हैं तो घट रहा है, इसका कारण यही होगा कि परमाणु आकार के मान में वृद्धि होती है तो जो बंध है धात्विक बंध है वो दुर्बल होता जाएगा। तो कम ऊर्जा देने पर ही वो बंध टूट सकता है। तो जब वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो गलनांक क्वथनांक की वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन क्षार धातु से तुलना करेंगे तो क्षारी मृदा धातु के लिए गलनांक क्वथनांक का मान उच्च पाया जाता है। विद्युत धनात्मकता का गुण। चूँकि इस परिवार में हम बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं NS2, दोनों इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के बाद ये द्विधनात्मक आयन बनाने की क्षमता रखता है। तो M में से जब दो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो M2+ +2 इलेक्ट्रॉन, तो यह एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाने लगता है M2+। यानी अगर हम मैग्नीशियम का उदाहरण लेते हैं तो 282 मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम आयन को देखेंगे तो 28 होगा और दो इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है। तो इस प्रकार यह एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दिखाता है। तो अष्टक यहाँ पर पूर्ण होता है और यही क्षारी मृदा धातुओं के इलेक्ट्रॉन त्यागने का यही मुख्य कारण होता है कि वो अपने बाह्यतम कोश के दो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर आसानी से द्विधनात्मक आयन बनाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जब ऊपर से नीचे आएंगे तो ये परिवर्तन कैसा होगा? जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु आकार के मान में वृद्धि हो रही है, और जब परमाणु आकार के मान में वृद्धि होती जाएगी तो यहाँ विद्युत धनात्मकता का मान भी बढ़ेगा। क्योंकि जब आकार में वृद्धि हो रही है तो नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच का आकर्षण बल घट जाएगा, तो ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। तो द्विधनात्मक आयन बनाने की प्रवृत्ति ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती जाती है। इस परिवार का जो विद्युत ऋणात्मकता का गुण है वो बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बहुत ही कम होती है। क्योंकि बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 है, बाह्यतम कोश में जब NS2 इलेक्ट्रॉन है
तो ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी से भी ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है, इसलिए इसका प्रयास होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। तो चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बहुत ही कम होती है, नगण्य होती है, तो इस वजह से ये विद्युत ऋणी नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान और भी कम होता जाता है, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु आकार के मान में वृद्धि होती है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी की वैल्यू, ऋण विद्युता का मान ऊपर से नीचे आने पर आप देखिए घटता जा रहा है। बेरिलियम के लिए 1.57 ये पॉलिंग स्केल के आधार पर ली गई वैल्यूज़ है, और मैग्नीशियम के लिए मान होता है 1.31, इसी प्रकार कैल्शियम का 1, स्ट्रांशियम 0.95, बेरियम 0.89 और रेडियम होगा 0.9। तो ऊपर से नीचे आने पर आप देखिए कि विद्युत ऋणात्मकता का मान किस प्रकार से घटता जा रहा है। चालकता, इस परिवार में बाह्यतम कोष में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो दुर्बल रूप से बॉन्डेड होते हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज़्यादा है, तो इसलिए ये ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन या इनके संयोजी जो इलेक्ट्रॉन हो दुर्बल रूप से बंधे होते हैं। और जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु आकार बढ़ रहा है, परमाणु आकार के बढ़ने से नाभिक और बाह्यतम कोष के बीच का आकर्षण बल घट जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन के मूव करने की जो क्षमता है वो और बढ़ेगी, तो चालकता का मान ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता जाएगा। तो यदि हम आयनों की चालकता की बात करें तो बेरिलियम 2+, उसके बाद मैग्नीशियम 2+ उससे ज़्यादा चालक होगा, कैल्शियम 2+ उससे ज़्यादा चालकता दर्शाता है, स्ट्रॉन्शियम 2+, बेरियम 2+ और लास्ट में है रेडियम 2+। तो इस प्रकार से चालकता के मान में वृद्धि होती जाती है। इस परिवार का जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +2 होता है प्रायः, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर आसानी से अपने अष्टक को पूर्ण कर लेते हैं। तो बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है चूँकि NS2 होता है, तो प्रायः सभी तत्व +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये अष्टक पूरा कर लेते हैं। अपचायक गुण, अपचायक ऐसे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग सकते हैं, या E0 की वैल्यू जिसकी जितनी ज़्यादा होती है वे प्रबल अपचायक होते हैं, इस तरह से भी हम कहते हैं। तो चूंकि इस परिवार की आयनन ऊर्जा का मान बहुत कम होता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता इसकी ज़्यादा होती है, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो अपचायक गुण और बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु आकार में वृद्धि होती है। तो जब इस परिवार में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु आकार में वृद्धि होगा और इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ती है, तो ये प्रबल अपचायक की तरह कार्य तो करते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर इसकी जो अपचायक क्षमता है वो बढ़ती जाती है। तो क्षार धातु की तुलना में ये दुर्बल अपचायक होते हैं, क्योंकि क्षार धातुओं का आकार इसकी तुलना में अधिक होता है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्षार धातुओं की ज़्यादा होगी, और क्षार धातु से कंपेयर करने पर ये दुर्बल होते हैं। और अपने परिवार में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो इनकी जो अपचायक क्षमता है वो बढ़ती जाती है। अब हम पढ़ेंगे जलयोजन एंथैल्पी या जलयोजन ऊर्जा। तो जब कोई धातु आयन जल के अणुओं से जुड़ता है या जल के अणु के मध्य और धातु आयन के मध्य संगुणन होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसी ऊर्जा को कहते हैं जलयोजन ऊर्जा। तो किसी धातु आयन का आकार जितना छोटा होता है उसकी जल के अणु को अपनी ओर संगुणित करने की क्षमता उतनी ज़्यादा होती है। तो क्षार धातुओं की तुलना में जो क्षारीय मृदा धातु है उनके आयनों का आकार छोटा होता है, तो क्षारीय मृदा धातुओं के लिए जलयोजन ऊर्जा का मान अधिक होगा क्षार धातुओं की तुलना में। जब वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो जलयोजन एंथैल्पी या जलयोजन ऊर्जा का मान कम होता जाएगा, क्योंकि परमाणु आकार में या आयनिक आकार में वृद्धि होती जा रही है। जलयोजन ऊर्जा का मान बेरिलियम के लिए सबसे ज़्यादा होगा और बेरियम के लिए सबसे कम होता है। तो ये क्रम है जो ये शो करता है कि ऊपर से नीचे जाने पर चूँकि परमाणु आकार या आयनिक आकार में वृद्धि हो रही है तो जल के अणुओं को जोड़ने की जो क्षमता होती है वो भी कम होने लगती है।
क्षार धातुओं की तुलना में चूंकि जलयोजन ऊर्जा का मान इसका अधिक होता है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड जब जल के अणु को जोड़ लेते हैं और जल के अणु को जोड़कर हाइड्रेट लवण बना लेते हैं, तो मैग्नीशियम क्लोराइड 6H2O एक प्रकार का लवण होता है, कैल्शियम क्लोराइड .6H2O ये भी एक प्रकार का हाइड्रेट बनाता है। जबकि सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड में हम देखें तो इस तरह से हाइड्रेट लवण नहीं बन पाते हैं। तो इस परिवार में जब ऊपर से नीचे आते हैं, जलयोजन एंथैल्पी को यहाँ शो कर रहे हैं किलो जूल प्रति मोल के आधार पर, तो बेरिलियम के लिए जलयोजन एंथैल्पी का मान -2494 किलो जूल पर मोल, मैग्नीशियम के लिए जलयोजन एंथैल्पी का मान -1921 किलो जूल पर मोल, कैल्शियम के लिए -1577 किलो जूल पर मोल, स्ट्रॉन्शियम के लिए -1443 किलो जूल पर मोल और बेरियम के लिए -1305 किलो जूल पर मोल होता है। तो इन वैल्यूज़ को जब आप देखेंगे तो ऊपर से नीचे आने पर जो ऋणात्मक मान है वो कम होता जा रहा है, और ये जो माइनस चिन्ह लगा हुआ है वो बताता है कि यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। जब भी किसी धातु आयन से जल का अणु जुड़ता है तो जल के अणु के जुड़ने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो यहाँ ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को दर्शाया जा रहा है और जलयोजन एंथैल्पी का मान ऊपर से नीचे आने पर घटता जा रहा है। तो आयनों के आकार का और जलयोजन ऊर्जा का व्युत्क्रमानुपाती संबंध होगा। आयनों का आकार बढ़ने पर जलयोजन एंथैल्पी का मान कम होता जाता है। इस परिवार में जैसा कि हमने देखा कि इसके भौतिक गुण में कि ये चांदी के समान सफ़ेद होते हैं, लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम का देखा गया है कि ये धूसर रंग के होते हैं, और क्षार धातुओं की तुलना में इनका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो भी अधिक होता है, और ये धन विद्युती लक्षण दर्शाते हैं। जैसे जैसे बेरिलियम से बेरियम तक आते हैं वर्ग में तो ये जो धन विद्युती लक्षण है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। अब इस परिवार का एक बहुत ही मुख्य गुण है कि ये ज्वाला के साथ रंग देते हैं, तो इसके कुछ आयनों की कुछ मूलकों की पहचान भी की जाती है इसी बुनसन बर्नर द्वारा दी गई ज्वाला में रंग के आधार पर। तो बुनसन बर्नर की ज्वाला में ये अलग अलग प्रकार का जो रंग देते हैं इसका मुख्य कारण होता है इसकी कम आयनन ऊर्जा और इसमें इलेक्ट्रॉन उत्तेजना की संभावना। तो चूंकि इसमें आयनन ऊर्जा का मान कम होता है इस परिवार का, तो ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, या इसके इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। तो यहाँ इस परिवार में जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है, चूँकि इनका आकार बहुत छोटा होता है, साथ ही ये एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाते हैं, तो बुनसन बर्नर की ज्वाला में ये आसानी से उत्तेजित होकर इसके इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इस परिवार में जो बाकी सदस्य हैं जैसे कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, तो ये अलग अलग रंग प्रदान करते हैं बुनसन ज्वाला में। तो कैल्शियम जो है वो ईंट जैसा लाल रंग प्रदान करता है, स्ट्रॉन्शियम किरमिजी लाल रंग देता है, बेरियम सेव जैसा हरा रंग देता है। जब गुणात्मक विश्लेषण किया जाता है तो कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम जो मूलक होते हैं उनकी पहचान भी इसी ज्वाला में दिए गए रंग के आधार पर की जाती है। अब ये ज्वाला में रंग क्यों देते हैं? जैसा हमने क्षार धातुओं में भी पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन दुर्बल बंध से जुड़े होते हैं उनमें ये क्षमता होती है कि जैसे ही उनको ऊर्जा दी जाती है तो कम ऊर्जा लेकर ही वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम कैल्शियम से लेकर बेरियम तक देखते हैं तो उनका आकार बड़ा है और उसमें बाह्यतम कोष में केवल दो ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो आसानी से जैसे ही बुनसन बर्नर से प्राप्त ज्वाला से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं इलेक्ट्रॉन्स इसके, और तुरंत अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित कर देते हैं। जो अवशोषित ऊर्जा होती है उसको ये तुरंत उत्सर्जित कर देते हैं और मूल अवस्था में लौट आते हैं। तो इस दौरान वो जिस तरह की ऊर्जा का अवशोषण दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में करते हैं वही रंग या उसी के आधार पर रंग जो है वो दिखाई देता है।
लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम चूँकि आकार में छोटे होते हैं और एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाते हैं, तो इसमें ये क्षमता नहीं होती है कि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर तक जा सके। अब हम इस परिवार के कुछ रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। तो इन रासायनिक गुणों में हम सबसे पहले देखेंगे कि जब ये वायु या जल के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो जब ये वायु के साथ क्रिया करते हैं तो ऑक्साइड बना सकते हैं, किसी धातु द्वारा परऑक्साइड का भी निर्माण होता है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये जो होते हैं ये ऑक्साइड बनाते हैं MO प्रकार का, और जो स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है, ये MO2 प्रकार के परऑक्साइड बना पाते हैं। तो 2M प्लस O2 इज इक्वल टू 2MO, ये ऑक्साइड बन गया, और M प्लस O2 इज इक्वल टू MO2, ये परऑक्साइड बन गया। तो अलग अलग प्रकार के जो धातु होते हैं अलग अलग ऑक्साइड और परऑक्साइड का निर्माण कर लेते हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन और जल के प्रति इसकी निष्क्रियता होती है, क्योंकि एक तो ये आकार में छोटे होते हैं। इन धातुओं के ऊपर ऑक्साइड की एक पतली फिल्म जैसी जम जाती है, और बेरिलियम को जब वायु में जलाते हैं तो ये वायु में जलाने पर ऑक्साइड बना लेते हैं, और वायु में प्रेजेंट नाइट्रोजन के साथ ये नाइट्राइड भी बना लेते हैं। तो जब बेरिलियम ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो BeO बनाते हैं, तो 2Be प्लस O2 इज इक्वल टू 2BeO, और वायु में प्रेजेंट जब नाइट्रोजन से क्रिया करते हैं तो 3Be प्लस N2 इज इक्वल टू Be3N2, बेरिलियम नाइट्राइड बन जाता है। इसी प्रकार जो मैग्नीशियम है ये बहुत अधिक धन विद्युती होते हैं, और वायु में चमकीले प्रकाश में वायु में नाइट्रोजन के साथ क्रिया कर लेते हैं, तो नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके ये भी नाइट्राइड बनाने की क्षमता रखते हैं, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है। तो 3Mg प्लस N2 इज इक्वल टू Mg3N2, तो इस प्रकार मैग्नीशियम नाइट्राइड बना। और ये जो मैग्नीशियम है जब जल से क्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस 2H2O इज इक्वल टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस प्लस H2, तो इस प्रकार से ये क्रिया करते हैं। लेकिन मैग्नीशियम की विशेषता ये है कि ये ठंडे जल से क्रिया नहीं करते हैं, तो गर्म जल से ये क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जबकि कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम ये सभी तेजी से क्रिया कर सकते हैं जल से। तो कैल्शियम जब जल से क्रिया करते हैं तो Ca प्लस 2H2O इज इक्वल टू CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। बेरियम प्लस 2H2O इज इक्वल टू BaOH होल ट्वाइस बना, बेरियम हाइड्रोक्साइड बना। और कैल्शियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है इसे हम चूने के पानी के नाम से भी जानते हैं। इस परिवार के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं तो ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, और इनकी जो क्षारीय प्रबलता है वो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है तो धातु और OH के बीच का जो बंध है वो दुर्बल हो जाएगा, और OH माइनस या हाइड्रोक्साइड आयन देने की जो क्षमता होती है वो अधिक हो जाएगी जब हम ऊपर से नीचे आते हैं। तो क्षारीय प्रबलता का जो क्रम है वो इस प्रकार होगा, BeOH होल ट्वाइस से ज़्यादा क्षारी होगा MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इससे ज़्यादा क्षारी होगा CaOH होल ट्वाइस, फिर होगा स्ट्रॉन्शियम OH होल ट्वाइस, और इसके बाद बेरियम OH होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो बेरियम का आकार चूँकि बहुत बड़ा होता है बाकी तत्वों की तुलना में, और उसमें बेरियम और OH के बीच का जो बंध है वो दुर्बल होगा, हाइड्रोक्साइड आयन देने की जो क्षमता है वो अधिक हो जाएगी। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड में सबसे ज़्यादा क्षारी होगा बेरियम हाइड्रोक्साइड, और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारी होता है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं ये जल में कम घुलते हैं, बाकी सभी जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो जल में आसानी से घुल जाते हैं। इसका कारण क्या होगा? चूँकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं जो धनायनों का आकार है वो बढ़ता जा रहा है, तो जब धनायनों का आकार बढ़ेगा तो यहाँ पर जो जालक ऊर्जा का मान है वो कम हो जाएगा, तो जालक ऊर्जा के मान के कम होने के कारण विलेयता बढ़ जाएगी। जब कभी भी जालक ऊर्जा का मान अधिक होगा और जलयोजन ऊर्जा का मान कम होगा तो वह लवण अविलेय होगा, और जब जालक ऊर्जा का मान कम होगा
जलयोजन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा तो विलेयता उस लवण की बढ़ जाती है। चूँकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो धनायनों का आकार बढ़ता जा रहा है तो जालक ऊर्जा के मान में कमी आ जाएगी तो जलयोजन ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। अगला है हाइड्रोजन के साथ इनकी क्रिया। तो जब ये हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो हाइड्राइड बनाते हैं, लेकिन जो बेरिलियम होता है वो हाइड्रोजन से आसानी से क्रिया नहीं करता है, बहुत ही कठिनता से बनता है और कम स्थायी भी होता है। तो बेरिलियम के हाइड्राइड को बनाने के लिए बेरिलियम क्लोराइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की क्रिया कराते हैं। तो 2BeCl2 प्लस LiAlH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज इक्वल टू 2BeH2 प्लस LiCl प्लस AlCl3 बनता है। तो यहाँ जो BeH2 बना है वो बहुत कम स्थायी होता है, और बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्राइड होते हैं इनमें देखा गया है कि ये सहसंयोजी गुण के होते हैं। तो बेरिलियम के जो हाइड्राइड होते हैं वो इस तरह से देखिए, इसका एक स्ट्रक्चर बना है, एक बहुलक टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, और बेरिलियम और मैग्नीशियम का अष्टक पूर्ण हो करने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से बॉन्ड होता है कि दो इलेक्ट्रॉन तीन केंद्र से जुड़े होते हैं। जैसे देखिए बेरिलियम एच और बेरिलियम हाइड्रोजन और फिर बेरिलियम, तो यहाँ पर तीन केंद्र है और दो इलेक्ट्रॉन इसको जोड़ा हुआ है। तो इस तरह से तीन केंद्र दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा जाता है, या इसको बनाना बॉन्ड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन तीन परमाणुओं से जुड़कर इस प्रकार से HBeH प्रकार से बॉन्ड बनाते हैं, जिसको बनाना बॉन्ड या केला बंध भी कहा जाता है। तो थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नाम से भी ये जाना जाता है। यहाँ पर जो हाइड्राइड का नेचर है, अलग अलग तत्वों का अलग अलग प्रकार का होता है। कैल्शियम के जो हाइड्राइड हैं CaH2, स्ट्रॉन्शियम हाइड्राइड SrH2, बेरियम हाइड्राइड BaH2, तो इनकी जो प्रकृति होती है वो आयनिक होती है और ये अच्छे अपचायक की तरह कार्य करते हैं। चूँकि हाइड्राइड हैं, हाइड्रोजन देने की क्षमता होती है, तो ये अच्छे अपचायक की तरह कार्य करते हैं। इनके जो हाइड्राइड होते हैं जब जल से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो चूँकि कॉमन रूप से यदि पूरे परिवार को लिखा जाएगा, हाइड्राइड को लिखा जाएगा इस परिवार का, तो वो हम ऐसा लिख सकते हैं MH2 प्लस 2H2O इज इक्वल टू MOH होल ट्वाइस प्लस 2H2। तो यहाँ पर जो हाइड्राइड है MH2 वह जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हैलोजन के साथ क्षारीय मृदा धातुओं की क्रिया। हैलोजन को हम X से दर्शा सकते हैं, जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कैसे भी हम इसे लिख सकते हैं, या किसी भी हैलोजन के उदाहरण से हम इसे पढ़ सकते हैं। तो जब ये हैलोजन के साथ क्रिया करते हैं तो बहुत अधिक टेम्परेचर पर ये रिएक्ट होते हैं और हैलाइड का निर्माण करते हैं। जैसे मैग्नीशियम यदि क्लोरीन से क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, कैल्शियम क्लोरीन से रिएक्ट होगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है। तो कॉमन रूप से यदि हम धातु को लेंगे तो एम प्लस X2 इज इक्वल टू MX2 प्रकार से हैलाइड बना है। इनके जो हैलाइड्स होते हैं इनको बनाने के लिए धातु का प्रयोग किया जा सकता है, धातुओं के ऑक्साइड, धातुओं के हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट। इनकी जब हैलोजन अम्लों से क्रिया कराई जाती है तो हैलाइड प्राप्त होते हैं। M प्लस 2HX इज इक्वल टू MX2 प्लस H2। इस प्रकार यदि धातु के ऑक्साइड को लेंगे तो MO प्लस 2HX इज इक्वल टू MX2 प्लस H2O। तो ये ऑक्साइड लेने पर भी MX2 बना, मतलब हैलाइड बना। इसी प्रकार इस हाइड्रोक्साइडों को लिया जाए तो MOH होल ट्वाइस, यानी मेटल कोई भी हो सकता है उसका हाइड्रोक्साइड, प्लस HX 2HX बैलेंस करने के लिए इज इक्वल टू MX2 प्लस 2H2O। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तीनों विधि से हमें हैलाइड प्राप्त होता है, चाहे धातु हो, उसके ऑक्साइड हो या उसका हाइड्रोक्साइड हो। उसकी जब क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराई जाती है तो यहाँ हैलाइड प्राप्त हुआ क्षारीय मृदा धातुओं के लिए। बेरिलियम के जो क्लोराइड होते हैं इसको बनाने के लिए, चूँकि बेरिलियम एक विशेष तत्व है इस परिवार का, तो इसके क्लोराइड्स बनाने के कुछ अलग विधि होंगे। तो बेरिलियम ऑक्साइड की क्रिया बेरिलियम ऑक्साइड BeO प्लस C प्लस Cl2 इज इक्वल टू BeCl2
प्लस CO बना, कार्बन मोनोऑक्साइड बना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेरिलियम के जो क्लोराइड है वो बेरिलियम ऑक्साइड के द्वारा बनाए जा सकते हैं। जो बेरिलियम फ्लोराइड होता है वो जल में विलेय होते हैं, क्योंकि बेरिलियम आयन बहुत छोटा होता है Be2+, तो जिस आयन की त्रिज्या जितनी छोटी होती है, कम होती है, उसके लिए जल योजन एंथैल्पी का मान उतना ही अधिक होता है। लेकिन बाकी इस परिवार के जितने भी फ्लोराइड्स होंगे वो जल में कम विलेय होते हैं। बेरिलियम के जो हैलाइड होते हैं उसके अलावा बाकी इस परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी के हैलाइडों की प्रकृति आयनिक होती है, जबकि बेरिलियम के जो हैलाइड्स होते हैं वो सहसंयोजक प्रवृत्ति वाले होते हैं, क्योंकि बेरिलियम के आयनिक त्रिज्या का मान बहुत कम होता है बेरिलियम आयन के लिए, तो ध्रुवण शक्ति भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जब किसी बड़े ऋण आयन को ये ध्रुवित करता है तो वो आसानी से उसे ध्रुवित कर सकता है, तो सहसंयोजक लक्षण यहाँ पर उत्पन्न होने लगता है। तो बेरिलियम के जो हैलाइड्स होते हैं वो सहसंयोजी प्रवृत्ति वाले होंगे, बाकी सभी के जो हैलाइड होते हैं वो आयनिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। और जो बेरिलियम क्लोराइड होता है ये ठोस अवस्था में एक श्रृंखला संरचना के रूप में पाया जाता है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। और 1200 केल्विन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर ये जो बेरिलियम क्लोराइड है ये एक द्विलक संरचना के रूप में रहता है, एक श्रृंखला संरचना के रूप में रहता है। लेकिन जैसे टेम्परेचर 1200 केल्विन से अधिक कर दिया जाता है तो ये एक रेखीय एकलक संरचना में वियोजित हो जाते हैं। इस परिवार के जो हैलाइड्स होते हैं उनमें हाइड्रेट बनाने की प्रवृत्ति बहुत ही कम होती है, और जब ये हाइड्रेट बनाते हैं तो अलग अलग प्रकार के हाइड्रेट ये बना सकते हैं। जैसे यदि मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रेट बनाता है तो MgCl2.8H2O, कैल्शियम क्लोराइड .6H2O, बेरियम क्लोराइड .2H2O, स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड SrCl2.6H2O। इनके जो जलयोजित क्लोराइड हैं या ब्रोमाइड हैं या आयोडाइड होते हैं, इनका निर्जलीकरण जब किया जाता है यानी इनके जो हाइड्राइड्स हैं तो इसको गर्म करके इसका निर्जलीकरण किया जा सकता है, इसमें से जल के अणु को बाहर निकाला जा सकता है। यहाँ पर जो फ्लोराइड आयन होता है उसकी जालक ऊर्जा का मान अधिक होगा, क्योंकि फ्लोराइड आयन के लिए जो त्रिज्या का मान है वो कम होता है। तो फ्लोराइड आयन की उच्च जालक ऊर्जा के कारण क्लोराइड आयन की तुलना में ये कम विलेय होते हैं। तो इनके जो फ्लोराइड होते हैं इस परिवार के जितने भी फ्लोराइड होते हैं, चूँकि फ्लोराइड का आकार छोटा होता है तो बाकी सभी धातु आयनों के साथ जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो उच्च जालक ऊर्जा को दर्शाते हैं, और इस उच्च जालक ऊर्जा के कारण ही ये कम विलेय होने लगते हैं। अब हम बेरिलियम क्लोराइड की संरचना को समझेंगे। तो बेरिलियम क्लोराइड ठोस अवस्था में इस प्रकार एक बहुलकी संरचना दर्शाता है, जिसमें हम देख रहे हैं कि प्रत्येक जो बेरिलियम परमाणु है वो 4 क्लोरीन परमाणु से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये एक बहुलक संरचना है तो प्रत्येक बेरिलियम का संबंध 4 क्लोरीन परमाणु से होता है, जिसमें से 2 सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं और बाकी जो 2 क्लोरीन परमाणु हैं वो उपसहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम के बारे में ये देखा गया है कि बेरिलियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड ये ज्वाला में रंग नहीं देते हैं, लेकिन जो कैल्शियम क्लोराइड है, चूँकि कैल्शियम आयन कलर देते हैं तो कैल्शियम के क्लोराइड भी ईंट जैसे लाल रंग प्रदान करेंगे। स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड किरमिजी लाल रंग देता है, जबकि बेरियम क्लोराइड सेब जैसा हरा रंग प्रदान करता है। तो ये तो बातें हुई कि जो इस परिवार के रासायनिक गुण हैं और उनसे बनने वाले जो यौगिक हैं उनमें किस तरह के गुण भी पाए जाते हैं। तो हैलाइड के बारे में हमने ये देखा कि इनके हैलाइड के अलग अलग प्रकृति में अलग अलग व्यवहार किस तरह से ये दर्शाते हैं और किस प्रकार के यौगिक ये बनाते हैं। अपचयन क्षमता या अपचायक प्रकृति को हम E0 की वैल्यू से कैसे रिलेट कर सकते हैं वो जानेंगे। चूँकि यह प्रबल अपचायक होते हैं इस परिवार के सदस्य, तो इसके लिए जो क्षार धातुओं की तुलना में जब क्षारी मृद धातुओं को देखा जाता है तो उसमें जो अपचायक क्षमता का मान है वो कम होता है। इसके लिए जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो कम होती है,
तो जहाँ पर भी किसी धातु के लिए ऋणात्मक अपचयन विभव का मान जितना ज़्यादा होता है वह उतना प्रबल अपचायक होता है। तो बेरिलियम के लिए अपचयन विभव का मान कम होता है और क्षारीय मृदा धातुओं के लिए जो अपचयन विभव का मान है उसकी तुलना में ये कम ऋणात्मक होता है। लेकिन फिर भी बेरिलियम एक अच्छा अपचायक इसलिए होता है क्योंकि बेरिलियम आकार में छोटा होता है और उसकी जलयोजन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा और इसकी जो परमाणुकरण एंथैल्पी का मान होता है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, वो भी उच्च होती है। तो भले ही बाकी सभी क्षारीय मृदा धातु की तुलना में इसके अपचयन विभव का मान कम ऋणात्मक होता है, लेकिन ये दो कारण हैं, उच्च जलयोजन ऊर्जा और उच्च परमाणुकरण ऊर्जा के कारण बेरिलियम अच्छे अपचायक की तरह कार्य करते हैं।